अच्छे और मजेदार न्यूज़ हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। कई बार इंसान को ऐसी जगहों से कीमती चीजें मिल जाती हैं, जिन्हें वो कबाड़ समझ रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक अमेरिकी परिवार के साथ, जिन्होंने अपनी परदादी द्वारा वसीयत में मिली एक दुकान को ज्यादा अहमियत नहीं दी। कई सालों बाद जब उन्होंने दुकान को खोला तो हैरान रह गए। धूल से भरी दुकान में रखे थे कई विंटेज सामान। अमेरिका के इस फैमिली को ये दुकान वसीयत में मिली था। ये शॉप 1940 सेकंड लेकर 1960 के बीच खुली थी, लेकिन जब परदादी की तबीयत खराब रहने लगी तो इसे बंद कर दिया गया था। फैमिली वालों को जब पता चला कि उनकी परदादी ने ये दुकान उनके नाम छोड़ी है, तब ये सोचते हुए कि इतनी पुरानी दुकान का वो क्या करेंगे, उन्होंने उसे जाकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन साल 2014 में परिवार के कुछ सदस्यों ने एक बार जाकर अंदर से शॉप का हाल देखने का फैसला किया। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पूरी शॉप धूल से ढकी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने शॉप में रखे शू बॉक्सेस खोलने शुरू किए तो उनमें इतने सालों बाद भी काफी अच्छी हालत में रखे कई जूते मिले। इन विंटेज शूज की कीमत आज के समय में काफी ज्यादा आंकी गई है। इन दिनों कई वेबसाइट्स पर सालों बाद खोली गई इस विंटेज शू शॉप की फोटोज वायरल हो रही है। वैसे तो इस फैमिली के किसी भी सदस्य ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाहिर नहीं की है, लेकिन माना जाता है कि उनमें से किसी एक ने शॉप में क्लिक हुई फोटोज रेडिट पर शेयर की थी। वहीं से अब ये तस्वीरें सोशल साइट्स पर वायरल हो रही हैं। लोगों के मुताबिक किस जगह पर आपकी किस्मत खुल जाए कोई कह नहीं सकता। जैसे धूल से भरी इस शॉप ने इस अमेरिकी परिवार की किस्मत खोल दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।